हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागायन सीरीज की अगली कॉमिक्स, नागायन उपसंहार। धरती पर हुआ काली शक्तियों का हमला और क्रूर पाशा बन गया उसका अगुआ। हुआ एक परम युद्ध जिसकी इति हुई महानायकों के परम बलिदान से। महानायकों की उपस्थिति अनुपस्थिति में एक बार फिर काली शक्तियां अपना वर्चस्व कायम करने के लिए सक्रिय हो चुकी हैं और उन्हें रोकने वाला अब कोई नहीं है। यह शायद है एक महागाथा, नागायन का उपसंहार। सौभाग्यशाली होते हैं वे जो युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान करते हैं और जिनको उचित अंतिम क्रिया का सौभाग्य भी नसीब होता है, और वह भी उनके अपनों के हाथों। आत्मा के शरीर छोड़ने के बाद शरीर को अधिक समय तक रखना आत्मा को कष्ट देता है। तुम्हारे पिताओं की आत्माएं अभी तक काली शक्तियों से लड़ रही हैं। उनको कष्ट हुआ तो वे कमजोर पड़ जाएंगी और दुष्ट शक्तियां फिर से ब्रह्मांड पर हावी होने लगेंगी। इसलिए इनके मृत शरीरों का दाह संस्कार करना अति आवश्यक है ताकि उनकी आत्माएं शांत एवं मोह मुक्त हो सके। मुखाग्नि दो बच्चों, विदा पिताश्री। विदा तो दे ही चुके हो बच्चों, फिर आग दो या ना दो उससे क्या फर्क पड़ता है। ये सब क्या हो रहा है बाबा, रोकिए इनको। कोशिश तो कर रहा हूं मैं श्वेता, पर असर होता दिख नहीं रहा है। इन लकड़ियों में जान कैसे पड़ गई। खैर, जैसे आई है वैसे जाएगी भी। अंतिम संस्कार में नक्षत्र के रहते कोई विघ्न नहीं पड़ सकता। उफ, इसके छूते ही पूरे शरीर में तेज दर्द और जलन हो रही है। ओह, चिता की लकड़ियों का झुंड उस रहस्यमय आयाम दौर में गायब हो गया और साथ में हमारे पिताओं के मृत शरीरों को भी ले गया। उफ, ये तो अनर्थ हो गया। अब शवों को वापस लाना असंभव है। असंभव है? यानी आप जानते हैं कि यह किसका काम है? जानते हैं, पर मुझसे ज्यादा नहीं। तो मैं याद रखना चाहिए था गोरखनाथ कि युद्ध के समाप्त होते ही ये दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। कौन से दुष्ट? और ये बोला कौन? नगीना, तुम यहाँ? पर तुम तो मर गई थी ना? पर मेरी यांत्रिक शक्तियां मुझे मरने मेरी तांत्रिक शक्तियां मुझे मरने दे तब ना, और अपने दुश्मनों को जलता देखने का मौका भला मैं कैसे गंवाती। पर उन दुष्टों ने यह मौका भी छीन लिया। और वे दुष्ट कौन है? लाशखोर। सदियों पुराना संप्रदाय है ये। सदियों पहले यह अघोरी समुदाय का एक भाग थे, पर बाद में स्वार्थपूर्ण कार्यों के लिए इन्होंने अलग कार्यों के लिए इनको अलग कर दिया गया। ये हर महायुद्ध के बाद प्रकट होते हैं और शक्तिशाली योद्धाओं की लाशें उठाकर ले जाते हैं और उनके शरीर पर तांत्रिक क्रिया करके उनकी शक्तियां खुद प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। यक, लाशखोर गार एक अलग ही दुनिया है। उनकी दुनिया का अदृश्यदार जहां पर भी होगा वहां गिद्ध अवश्य होंगे, क्योंकि वे गिद्धों से ही शक्ति लेते हैं। जितने ज्यादा गिद्ध होंगे उतना विशाल द्वार बनेगा, पर उनकी दुनिया में पहुंच भी गए तो उनसे लड़ पाना असंभव है। घातक जीवाणु और अघोर तंत्र से भरा है उनका संसार। जो हो गया सो हो गया, वहां से वापस कोई नहीं आता। वापस ना आ पाए तो उनका संसार ही जला डालेंगे। हमारे प्रियजनों की अंतिम क्रिया अपने आप ही हो जाएगी। नक्षत्र, तुम काफी कुछ ध्रुव जैसे हो, पर क्या तुम उसकी तरह गिद्धों से बात कर सकते हो? ध्रुव जितनी प्रैक्टिस नहीं है मुझे, लेकिन कोशिश जरूर कर सकता हूँ। तय रहा, अब आए हैं तो अंतिम क्रिया पूरी करके ही जाएंगे। बच्चों, यहीं पर रुकना, हम लाशखोर गार में जाएंगे जरूर, पर हम वापस आने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। हम जा रहे हैं नताशा, गिद्ध तो शमशान में भी थे। हाँ, पर बड़े द्वार के लिए और ज्यादा गिद्धों वाला स्थान चाहिए। इस जंगल के पूर्वी भाग में हाथियों का एक बड़ा कब्रिस्तान है। हाथियों के झुंड अपने प्राण त्यागने वहां पर आते हैं। वहां पर भारी संख्या में गिद्ध मिलते हैं। काफी जानकारी है तुम्हें। तुम भूगोल में एक्सपर्ट लगती हो नताशा। मेरा भूगोल तुमसे ज्यादा गोल है। इस जानकारी का कारण भूगोल नहीं, मेरे संपर्क में रहने वाले हाथी दांत के स्मगलर हैं। वह देखो, गिद्धों का झुंड, यहाँ पर लाशखोर गार का द्वार होना चाहिए। अब देखते हैं कि तुम गिद्धों से पूछताछ में कितने एक्सपर्ट हो। नक्षत्र, पूछो इनसे द्वार की जगह। और सब जा भी है तुम्हारी बात? लगता तो है। इसका जवाब है हर तरफ। तो इससे पूछो कि हर तरफ है कहाँ। हम जिंदा रहते वहां नहीं जा सकते। इसके अनुसार हमारा प्रयास व्यर्थ है। मैं जानती थी यही होगा, पर द्वार यहाँ पर है तो वह खुलेगा भी। मैंने भी अघोर तंत्र की गहन साधना कर रखी है। मैं खोलूंगी द्वार। द्वार खुलेगा और जरूर खुलेगा। महानायकों की अंत्येष्टि आज ही होगी। अब मैं बार बार तो नहीं आ सकती ना। बाबा गोरखनाथ ने रेस्क्यू टीम के वापस आने तक हमको इसी कक्ष में आराम करने को कहा है। क्या बोरियत है। ये नागेश कहाँ गायब हो गया? शायद वह बाबा का इरादा भाप गया था, पहले ही निकल गया। ये लाशखोर कहीं मिल जाए तो मैं उनको लातखोर बना डालूं। हमारे पिताओं ने बुराई को रोकने के लिए अपनी जान दी
और उनके जाते ही जो दुष्ट बचे थे उनकी हिम्मत खुल गई। तू भी भड़ास निकाल ले ऋषि, मुंह में दही जमा रहा है क्या? यारों में सोच रहा हूं कि आखिर हमारे पिताओं ने अपनी इच्छा से जान क्यों दी। सभी जानते हैं कि अमर काली शक्तियों को पूरे ब्रह्मांड में फैलने से रोकने के लिए उनकी पुण्य आत्माओं की शक्ति की जरूरत थी, इसलिए वही तो। अगर वे काली शक्तियां ना रहें तो हमारे पिताओं की आत्मा अपने शरीरों में वापस भी आ सकती हैं। हाँ, थ्योरी में तो कोई त्रुटि नहीं है, पर इसको अंजाम देना मुश्किल है। पर फिर भी थोड़ा दिमाग तो लगाओ सब मिलकर। देखो मित्र, जहां तक मुझे ज्ञात है, इस समस्या की शुरुआत गुरुदेव द्वारा नागपाशा से आलस्य और भय खींचने के प्रयोग से हुई थी, लेकिन प्रयोग में गड़बड़ी तब हुई जब उस यंत्र ने आसपास की बुराइयों को खींच लिया और नागपाशा क्रूर पाशा बन गया। यह उसी के बुरे रूप की ऊर्जा है जिसको रोकने के प्रयास में हमारे पिताओं ने प्राण त्याग दिया। गुरुदेव ने मुसीबत खड़ी की है तो वह इसकी काट भी बना सकता है। हमें बाबा से सलाह लेनी चाहिए। अरे चुप, बाबा का चहेता, उन्हें पता लगा तो तुझे परमिशन नहीं, दरवाजे पर बाहर से लगा ताला मिलेगा, समझा? हमें गुरुदेव को पकड़ना चाहिए। हम वहीं से छानबीन शुरू करेंगे जहां से ये सारा सारा बवाल शुरू हुआ है, यानी उस द्वीप से जहां गुरुदेव ने वह यंत्र बनाया था। हाँ, जयम को उस द्वीप के अक्षांश और देशांतर पता है, और बाबा गोरखनाथ को पता चलने से पहले हम लौट भी आएंगे। बस ये मनाओ कि कोई रास्ता मिले तो लाश को और हमारे पिताओं के शरीरों को नुकसान ना पहुंचाए। यही है सारी मुसीबतों की जड़। वह रही गुरुदेव की लैब टूटी फूटी। तू तो एक्सपर्ट मैकेनिक है जयम, पूरी स्वर्ण नगरी को हिला डाला था तूने। फिर इस लैब को वापस जोड़ना तो तेरे बाएं हाथ का काम होगा। दोनों हाथ हिलाने पड़ते हैं भाई, एक हाथ से सिर्फ झापड़ मारा जा सकता है। वैसे गुरुदेव प्राचीन तंत्र तकनीक में एक्सपर्ट है, मैं उस तकनीक के बारे में ज्यादा नहीं जानता। ये क्या था? तूने तो शिप को निर्जन बताया था ऋषि, तूने तो दीप को निर्जन बताया था ऋषि, निर्जन बताया था, निरपशु नहीं, अरे कोई छोटा मोटा जानवर हो। अगर ये छोटा मोटा जानवर है तो तू गधा है। हमें ये पहले ही समझ लेना चाहिए था कि गुरुदेव इतना बड़े प्रयोग बगैर किसी बड़ी सुरक्षा के नहीं करेगा। उसकी सुरक्षा व्यवस्था अभी तक एक्टिवेटेड है, यह हमें लैब तक नहीं पहुंचने देगा। अरे त्रिकी, ओ त्रिकी, एक दूसरा अजूबा लैब की तरफ जा रहा है। कहीं गुरुदेव ने इनमें ऐसी किसी स्थिति में लैब तोड़ने के आदेश तो नहीं भर रखे हैं? हो सकता है, ना जाने और कौन से सुरक्षा उपाय हैं यहाँ पर। यार, ये गुरुदेव इनमें कौन सी बैटरी यूज करता है जो इतने सालों तक चलती है? ओए, तांत्रिक पक्षी भी है गुरुदेव के पास, पर ये हम पर हमला करने के बजाय वहां दूर क्यों जा रहा है? ओ, वह जरूर गुरुदेव के पास जा रहा है यहाँ का हाल बताने के लिए। जलज ययाति, पीछा करो इसका, रोको इसे, वरना ये सीधा गुरुदेव के पास जाएगा और फिर गुरुदेव आकर हमारे प्रयासों का कबाड़ा कर देगा। कबाड़ा तो वो खुद करके गया है। मजाक छोड़ो, चिड़िया को रोको, गुरुदेव को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। ओए, ये चिड़िया रॉकेट निकल गई है क्या? बड़ी तेज उड़ रही है। तू भी यान को रॉकेट बूस्टर ऑन कर ले, तू भी यान के रॉकेट बूस्टर ऑन कर ले, नाक नहीं कटनी चाहिए। यार, तू तो नाक की बात कर ही मत, तेरी नाक देख कर ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है मुझे। ये ले, स्पीड हो गई हमारी 920, और अब हम चिड़िया के पास भी पहुंच रहे हैं। देख, इसका आकार भी बड़ा होने लगा है। ओए, इसका आकार वाकई में बढ़ रहा है। आओ आओ, ये तो पलट कर हमारी तरफ आ रही है, और हम इस हाई स्पीड में रुक भी नहीं। इस गधे के हाथ में यान किसने दिया? पल भर में चिड़िया और हालात दोनों ही पलट गए थे, यहाँ भी और वहां। यहाँ भी गलती हो गई, नागीश के लिए वेट कर लेना चाहिए था। सही कह रहा है तू, मेरी किरणों पर तो ये ध्यान भी नहीं दे रहा है। जलस से भी संपर्क एकाएक टूट गया, ये अचानक गड़बड़ कैसे होने लगी? शायद कुछ बुरी ऊर्जा अभी भी यहाँ पर मौजूद है, वरना ये दोनों हमारी जान के पीछे ऐसे ना पड़ते। तू तो द्वारशार को जैसा कुछ बनाता है, बना दो और भेज इसे उसके पार। वह काम बिना मेरे स्वर्ण पाश के नहीं किया जा सकता, और पाश यान में ही छूट गया है, और यान तो जलज ले गया चिड़िया के पीछे। हो गई गड़बड़, इस बार गुरुदेव से भिड़ गए थे बच्चे, उस गुरुदेव से जिससे टकराने से पहले नागराज तक वसीयत लिखकर आया था। मुझे नगीना पर भरोसा नहीं है, सतर्क रहना। लाशखोर गार के अंदर पहुंचना हम में से किसी के भी वश की बात नहीं है। हमको अगर वहां तक पहुंचना है तो नगीना की मदद हमें लेनी ही। अरे, ये कौन है? उस द्वार से निकला है यह अजूबा। यह नगीना को मारना चाहता है, पर मेरे रहते यह संभव नहीं है। वहीं जहां जहां से तू आया है, धुआं बनकर लाशखोर डर रहे हैं। वे जानते हैं कि मैं अगर उनकी दुनिया में प्रवेश कर गई तो तुम सबकी मदद से उस दुनिया को खाक में मिला दूंगी, क्योंकि मैं अघोर दुनिया, अघोर चक्र को आदर्श मानती हूं, और उनको इनको दुश्मन।
पर अब शायद ये सतर्क हो गए हैं। पता नहीं मुझे द्वार पूरा खोलने का मौका मिलेगा भी या नहीं। जल्दी करो, मैं ज्यादा देर तक इस द्वार को खोले नहीं रख सकती। और फिर अंदर से भी आफतें बाहर आने लगेंगी और उनको कोई नहीं संभाल पाएगा। क्या कहती हो, चलें? चलो। चारों एक एक करके द्वार के पास पहुंचने लगे, पार पहुंचने लगे। वे तीनों तो गए, अब तुम भी आ जाओ नगीना। तुम्हारे बगैर हम लाशखोरों से नहीं निपट पाएंगे। मैं इस द्वार को खोलने में अपनी बहुत ऊर्जा बर्बाद कर चुकी हूँ। एक पल भी और इसको खोले नहीं रख सकती, पर मैं हार नहीं मानूंगी। फिर से द्वार खोलूंगी मैं। आह, नगीना को कमजोर समझकर उस पर गिद्धों की तरह टूट पड़े कायरों पर। आह, नगीना कमजोर नहीं। नगीना का लाशखोर गार में जा पाना अब लगभग असंभव था, लगभग उतना ही असंभव जितना कि उसकी तांत्रिक शक्तियों के बगैर उन चारों का भयावह दुनिया में आगे बढ़ पाना। नगीना नहीं आई, मुझे पहले ही उसकी नीयत पर शक था। फंसा गई हमें नागिन, शायद इसीलिए यह कहावत बनी आस्तीन के सांप। तो बचकर रहना मुझसे, मैं भी उनमें से ही एक हूं। पर याद रखना, यहाँ के घातक विषाणु पूरे वातावरण में तुम्हारी रक्षा भी मेरा विष शक्तियां ही करेंगी। ध्रुव के हत्यारे को मुझसे रक्षा की जरूरत ज्यादा जरूरत है। बस बस बस, अभी लाशें वापस लेकर जानी है या अपनी भी यहाँ छोड़कर जानी है। मिलकर गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, पहले उन गड़े मुर्दों को दफनाओ। तो ये हैं लाशखोर गार की आबादी, पर ये सिर्फ मोहरे हैं। इनके पार जा पाए तो ही इनके अघोरी आकाओं तक पहुंच पाएंगे। और वहां से दूर ऋषि और जयम अपनी छोटी सी जिंदगियों को एक एक पल बचाकर बढ़ा रहे थे। ओए, कुछ तो सोच, काश मैंने पाशयान में ना छोड़ा होता। अब तू रहने ही दे, मैंने ही कुछ, चल नाना जी का आइडिया आजमाते हैं। रॉबो का आइडिया? क्या? भाइयों को आपस में लड़ाने का आइडिया। बस इसमें ज्यादा से ज्यादा जान का रिस्क है। तू मगर पर कूद और मैं ऑक्टो पर कूदता हूँ, दोनों एक दूसरे को इधर धर कर तोड़ेंगे। ओए, तू मेरी तरफ है या ऑक्टो की तरफ? मुझे मरवाने में ऑक्टो की मदद तो नहीं कर रहा तू? क्या बक रहा है तू? स्टंट टंट में कुछ सुनाई दे रहा है? ये बात शायद मशीनों के मेमोरी डेटा में फीड नहीं की गई थी कि चपल बच्चों पर वार कर पाना मुर्गी को हाथों से पकड़ने से ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ ही देर में दोनों मशीनों के अंजर पंजर बाहर बिखरे हुए थे। सांस फुला दी तेरे प्लान ने। खो खो बॉल गेम याद आ गया? जरा सांस संभाल ले फिर। आई, मरकर भी चिंगाड़ी उड़ा रहे हैं, आराम तक नहीं करने देते। चल लैब में ही चलकर कोई सुराग ढूंढते हैं। वैसे भी समय कम है, पर अभी तक जलज या ययाति का कोई मैसेज क्यों नहीं आया? कहीं जलज ने यान को ठोक तो नहीं दिया? इस बात के 99% चांसेस है। जयम, यान तो लगता है कि गया, पर तूने जो हम सबको वाईफाई कम्युनिकेशन बैंड दिए ना, उस पर हम संपर्क कर ही सकते हैं। जयम हियर। ओए जलज, ये आती कहाँ हो तुम दोनों? यान का रेडियो तो डेड है, पर तुम दोनों तो अब हम भी डेड होने वाले हैं। इस चिड़िया के पंजों से लटके हैं। ये पहले तो पलट का बुलडोजर की तरह यान से टकरा गई और हमें न जाने कहाँ लेकर जा रही है। ययाति तो उड़ सकता है, फिर छोड़ दे पंजे, छोड़ दे। ओए, मेरे अंदर रॉकेट फिट नहीं है, मैं इतनी तेज नहीं उड़ सकता कि इसका पीछा कर सकूं। बोल तो वापस आ जाऊं। नहीं, कुछ भी कर, चिड़िया को गुरुदेव तक पहुंचने से रोक। हमें और वक्त चाहिए। हम तो यहाँ पर अभी लैब में बस घुसे ही हैं। इसकी तो हालत बहुत खराब से भी ज्यादा खराब है। यहाँ पर तो सुराग का सू भी मिलना मुश्किल है। अगर ये थोड़ी सी और जुड़ी हालत में होती तो शायद मैं इसकी कार्यप्रणाली का अंदाजा लगा सकता था। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो करना है वह हमें खुद ही करना है। उफ, ये तो आते ही जा रहे हैं। गर्दन टूटने का भी असर नहीं हो रहा है इन पर। मेरा विष भी इन पर कोई असर नहीं डाल पा रहा है। और ये अपने अंदर से कुछ विचित्र कीटाणु निकाल रहे हैं। मुझे अपने शरीर में खिंचाव महसूस हो रहा है, जैसे मेरी खाल फट रही हो। ओ गॉड, खाल फट नहीं रही, गल रही है इन जॉम्बीज की तरह। यानी हम भी जॉम्बीज बनते जा रहे हैं? ये तो ऐसा वार है जिससे हम मरकर भी नहीं बच सकते। मेरे विषैले वार भी इन पर बेअसर है। जल्दी कोई रास्ता सोचो, वरना हमको भी इनमें से एक बनने से कोई नहीं बचा पाएगा। आओ, इसने तो हमें सारा के रेगिस्तान में लाकर पटक दिया है। रेत बहुत गर्म है क्या? इतनी भी गर्म नहीं है, तो तू चीखा क्यों था? गिरने पर कसके लगती है यार, सो लगी तो मैं चीखा। चोट लगी रेत पर गिरने से? हाँ यार, रेत से तो चोट नहीं लगती फिर। यानी नीचे कुछ और है? लकड़ी? किसी तरह का ढक्कन है ये, शायद गुरुदेव के छुपने का अड्डे का कवर है। जगह तो सही लगती है, पर अगर ये सही में गुरुदेव का अड्डा है तो फिर यहां पर कोई सिक्योरिटी सिस्टम क्यों नहीं? आओ लेजर।
अभी ये धुआं हमारे शरीर से निकल रहा होता, अब आगे बढ़े तो कैसे? जल्दी सोचना पड़ेगा। ढक्कन खुलने के बाद रेत भी पानी की तरह नीचे भर रही है, जल्दी वो पूरी जगह रेत से भर जाएगी। रेत, ओए तू कितनी तगड़ी फूंक लेता है ययाति। हिमालय पर जब 5 फीट से ज्यादा बर्फबारी होती तो पिताश्री मुझे एक ही फूंक मारने को बुलाते थे। तेरी फूंक सरकती तो नहीं थी? बर्फ सरकती थी, मैं एक फूंक से बर्फ उड़ाकर पूरा रास्ता साफ कर देता था। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नागायण उपसंहार के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।